गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। आमजन से लेकर बेजुबान हर कोई गर्मी के चलते परेशान है। जयपुर में सबसे बड़े हिंगोने गौशाला में हजारों गायें भीषण गर्मी से झुलस रही हैं। सैकड़ों गाय हीट वेव की चपेट में आ चुकी है। नगर निगम प्रशासन ने इसकी सूद लेते हुए पानी का छिड़काव करना शुरू किया। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से बेजुबानों का जीना यहाँ पर मुश्किल हो चला है। लेकिन इन सबके बीच में दिल्ली की बात करें तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दोपहर में चलने वाली लू ने आम जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। इस सबके बीच दिल्ली का मुंगेशपुर सुर्खियों में आ चुका है। यहाँ पर अपने बढ़े हुए तापमान को लेकर तापमान 52 डिग्री के पार चला गया। अब मौसम विभाग इसकी जाँच कर रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। लेकिन इस बीच क्या कह रहे हैं मुंगेशपुर के लोग, इस रिपोर्ट के जरिए आप जानिए। क्या 29 तारीख को मुंगेशपुर में दर्ज 52 डिग्री पार का तापमान सेंसर की गड़बड़ी का भी नतीजा था? मौसम विभाग जांच कर रहा है। इस बीच मुंगेशपुर, नजफगढ़ और नरेला से तापमान की घोषणा रोक दी गई है। ये अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट हमने नहीं दिया कि ये टेम्परेचर सही है कि गलत, इसलिए इसको कोई यूज ना करे। ये IMD का ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी नहीं है कि टेम्परेचर वहाँ 52.9 डिग्री सेल्सियस हुआ है। और कभी भी दिल्ली में इतना बड़े टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ ही नहीं पास्ट में। हाईएस्ट रिकॉर्ड 48.4 डिग्री सेल्सियस से पाला में रिकॉर्ड हुआ था पहले, जो हमारा डिपार्टमेंटल ऑब्जर्वेटरी लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड की डाटा। सो इसलिए ये जरूरी होता है ये डाटा को चेक करना, वेरीफाई करना और फिर ऑफिशियली इंटीमेट करना। वैसे दिल्ली इन दिनों लगातार तप रही है। मुंगेशपुर इलाके में NDTV की टीम ने कई लोगों से बात की। सबका अनुभव यही है कि ऐसी गर्मी कभी नहीं रही। कल IMD से कोई आया था यहाँ पे चेक करने? आए थे कल शाम को, आए थे रात में, आए थे कल चेक करने के लिए। 50 डिग्री के ऊपर है टेम्परेचर इस समय, कल का बताया जा रहा है। इस समय भी 45 के आसपास तापमान है। गर्मी को लेके क्या बोलना चाहेंगे? इस तरीके की गर्मी हर साल पड़ती है? हर साल ही रहती है, वैसी गर्मी तो रहती है। कल बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, कभी ऐसी कभी गर्मी देखी नहीं जी। पिछले साल तो ऐसा था जी, एक दिन गर्मी रहती थी, बारिश हो जाती थी, अब की बार लंबी गर्मी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लंबी गर्मी। सच तो ये है कि दिल्ली के ज़्यादातर लोगों के लिए मुंगेशपुर का नाम अनजाना था। दिल्ली हरियाणा सीमा पर इस छोटे से मोहल्ले को तापमान की चर्चा की वजह से पूरे देश ने जान लिया है। वहाँ के लोगों का कहना है कि गर्मी लोगों को बीमार बना रही है। 50 डिग्री टेम्परेचर था? हाँ, 50 के 52 था। 52? हाँ। आपको अनुभव लग रहा था कि हाँ 52 है? हाँ, आज फोन पर देखा तो 52 आया मंगलसूर का। उल्टी दस्त लगे हुए हैं और क्या नाम है, बहुत परेशान है। वैसे इस मौसम में लोग कम भले निकल रहे हों, लेकिन पानी और कोल्ड ड्रिंक की बिक्री बढ़ गई है। भाई अब के बार बहुत ज्यादा बिक रही है पानी की बोतल, पानी और कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा है। बाकी अपना शरबत वरबत भी चलता है। गर्मी पहली बार हुई यहाँ पे, रिकॉर्ड तोड़ दिया। आग चल रही है, हवा इतनी गर्म है तो मतलब आग ही लगे, चप्पल चमकते है, हवा इतनी गर्म लगते है को बर्दाश्त नहीं होते। रोहित की दुकान के बगल में पंचर और साइकिल रिपेयर की दुकान चलाने वाले भूपेंद्र मूलतः बिहार के हैं। उन्होंने बताया कि गर्मी से कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है और पूरी दोपहर उनके पास ग्राहक नहीं है। ग्राहक तो बिल्कुल कम है, ग्राहक तो आ ही नहीं रहे। ग्राहक नहीं आ रहे? हाँ, सुबह शाम आते हैं ग्राहक, जो भी आते हैं। मतलब दोपहर में एकदम खाली हो गया? हाँ, खाली हो गया। तो ये है मुंगेशपुर में आंकड़ों पर संदेह के बीच बढ़ती गर्मी की कहानी। गर्मी की बात करें तो पूरे देश में इस समय हीट वेव चल रही है, लेकिन कल यानी 29 मई को दिल्ली में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड टूट गया है गर्मी का। जी हाँ, इस समय हम खड़े हैं दिल्ली के मुंगेशपुर क्षेत्र के ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन पे, जहाँ पर से यहाँ टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है। और ये एक वही स्टेशन है जहाँ जिसने कल की जो टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग है वो 52 डिग्री से ऊपर की है। जी हाँ, 52 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की टेम्परेचर रिकॉर्डिंग की। ये ऐसा टेम्परेचर है जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं आया है दिल्ली में। खैर, इसके आने के बाद से IMD हरकत में आती है और उन्होंने अपने एक इंजीनियर्स की टीम डिस्पैच की थी जो कि आके यहाँ पर इस वेदर स्टेशन का निरीक्षण भी करके गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या गर्मी ज़्यादा है या मशीन ख़राब। मुंगेशपुर से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ गौरव द्विवेदी, NDTV इंडिया।